बड़ी खबर मैं आज की लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोनों शिक्षा से रिलेटेड हैं और दोनों न्यूज़ जो है अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जॉब से भी रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि वर्षवार मेरिट पर फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन के पदों पर होगी भर्ती। तो आप देख सकते, कहा 2024 में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में करीब 10,000 के आसपास जो है वो भर्तियां लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में फार्मासिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट टेक्नीशियन के पदों पर वर्षवार भर्ती होगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट संवर्ग में पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर 2024 में करीब 10,000 भर्तियाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा में यहाँ पर जो है करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके अलावा तमाम जो पद हैं यहाँ पर, डॉक्टर, ANM, नर्सेस, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, वार्ड बॉय के करीब 10,000 पदों पर यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग में 2024 में यहाँ पर जो है भर्ती होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो रिटायर्ड हैं उनको भी यहाँ पर स्वास्थ्य में विभाग में नौकरी दी जाएगी। उसके अलावा नर्सिंग अधिकारियों की तर्ज पर यहाँ पर उन्होंने कहा कि वन टाइम के लिए फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन पदों पर वर्षवार मेरिट के आधार पर यहाँ पर भर्ती होगी। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में आने वाले समय में आपको बहुत सारे पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।